बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में 7 सितंबर को घर से चांदपुर जाते वक्त एक युवक को 3 अज्ञात बदमाशों ने रोककर उसके साथ लूट की। बदमाश पीड़ित से 10,000 रुपए व उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को आज गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन 3 बदमाशों को पकड़ा है। सुनिए क्या कहना है एसपी सिटी आरडी चौधरी का। क्या इनसे बरामद हुआ है? ये दिनांक 7/9/17 की घटना है। एक अशरफ नाम के आदमी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो ये बदमाशों ने उनको मोटरसाइकिल लूट ली और मोबाइल भी इनके साथ था और कुछ नकदी थी, इसको लूट करके फरार हो गए थे। अभियोग दर्ज था, स्थानीय पुलिस पतारसी सुरागरसी कर रही थी। ये 3 लोग चुप रहे यार, ये पकड़े गए हैं, जिनसे लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद हुआ है। और घटना में इन लोगों ने आर्म्स का प्रयोग किया था, शस्त्रों का, तो वो भी इनसे बरामद हुआ है। मुकदमा लिख करके जो इसमें पहले से है बरामदगी को कनेक्ट करके योजनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें से जो अपराधी पकड़े गए हैं, एक सातिर अपराधी है, इसके खिलाफ 12 अभियोग दर्ज हैं, प्रियांशु और इसके 2 साथी और हैं। और अभियोग की जानकारी थाना स्थानीय से और जनपद से और आसपास के थानों से की जा रही है। इनका एक संगठित लुटेरों का गिरोह है। SPN9 न्यूज़ के लिए बिजनौर से जुबैर खान की रिपोर्ट।